जानते हैं कि एक गाना बनता है तो उसमें किसका किसका सहयोग होता है। केवल सिंगर से भी नहीं बन सकता, केवल लिरिक राइटर से नहीं बन सकता, केवल म्यूजिक डायरेक्टर से नहीं बन सकता और केवल म्यूजिशियन से भी नहीं बन सकता। जब सब मिलके एक गाना बनाते हैं तो मिलके उनका हक भी है कि सबको रॉयल्टी मिले। पहले तो ये था कि बस लिरिक राइटर और म्यूजिक डायरेक्टर गाना बनाते हैं, बाकी कोई नहीं बनाते हैं। ऐसा तो बिल्कुल सच नहीं है, ऐसा कैसे हम लोग मान लें। तो धीरे धीरे उसमें हमने सिंगर को जोड़ा, अभी अब वो भी बात मान ली गई। फिर हमको लगा कि इसके साथ साथ तो जो इतना अच्छा सितार बजा रहे हैं, इसमें इतनी अच्छी बांसुरी बजा रहे हैं, इतना अच्छा गिटार बज रहा है, अब सोचिए जरा दम मारो दम में अगर वो पीस ना हो डंग 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 डंग, तो गाना जो है वो पता ही नहीं लगेगा कौन सा गाना शुरू हो रहा है। उससे पता लग जाता है कौन सा गाना शुरू हो रहा है, कितना अच्छा वो बजाया है। कंपोज तो किया ही अच्छा, लेकिन उसको वो भूपेंद्र जी ने बजाया था। भूपेंद्र जी बहुत अच्छे गिटार प्लेयर थे, उन्होंने आर्य बर्मन जी के बहुत से गानों में गिटार बजाया है, चुरा लिया है तुमने, तो वो ग्रेट गिटार प्लेयर। उन दिनों जब स्टेज पे उनके परफॉर्मेंस होते थे, जब वो बॉम्बे नहीं आए थे तो वो गिटार की परफॉर्मेंस करते थे, वो गाते नहीं थे, वो गिटार बजाते थे। उसके बाद उन्होंने गाना शुरू किया, यहाँ आके उनके उस गाने को आर डी बर्मन जी ने पहचाना और उनकी एक पहचान बन गई, कितने बड़े वो सिंगर बन गए। तो ऐसे और भी न जाने कितने, रईस खान साहब ने मदन मोहन जी के कितने गानों में बजाया, भैया ना धरो वो सब उनका बजाया हुआ है। हरिप्रसाद चौरसी जी ने कितने पीस बजाए हैं, शिव कुमार जी ने, जहां जहां कश्मीर नजर आता वहां शिव जी का संतूर बजता है। तो ये सब चीजें इन लोगों ने की हैं, तो इनको इनका हक मिलना चाहिए। अगर हम लोग एयरपोर्ट्स पे जाते हैं तो वो संतूर बज रहा है, फ्लूट बज रहा है, कोई सितार बज रहा है, अब उसका उनको कुछ मिलना चाहिए ना। तो अब जो ये इसरा ने काम किया है, ये बहुत अच्छा काम किया है, इसके लिए हमको हमारे मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने भी बहुत सहयोग दिया, उन्होंने कहा ये काम होना चाहिए और इसमें इन सब को आप इंक्लूड कीजिए। तो हम सब ने अपने बोर्ड मीटिंग में ये फैसला लिया कि ये बिल्कुल होना चाहिए, उनका वो हक होना चाहिए जो इंटरनेशनली है, फॉरेन में है, अमेरिका में, इंग्लैंड में जो म्यूजिशंस हैं, जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, उनको उनका हक मिलता है। उनका जितना परसेंटेज है वो परसेंटेज हमने यहाँ भी रखा है और उनको हमेशा मिलेगा। और मुझे इसकी बहुत खुशी है कि हमने इसरा का नाम अब इसामरा किया है, आप सब ने उसको स्वीकृत किया, मुझे इसकी बहुत खुशी है। और अब हम आगे चल के जिसके जिसके जो हक बनते हैं उनको वो देंगे, इसके लिए आप सबके सहयोग का शुक्रिया। मैं इतने कहना चाहूँगा कि संजय जी और अनूप जी बहुत ही समझदार, बहुत ही बैलेंस्ड, बहुत ही स्पष्ट, इनका जो जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, और यकीन मानिए ये आसान काम नहीं था जो लोगों को, क्योंकि बहुत लोगों के एक हायर की भी होती है, लोगों को लगता है हम बड़े हैं या हम कमांड की पोजीशन में हैं, हम बताएंगे कितना देना है, क्या करना है, क्यों देना है। तो बड़ा मुश्किल होता है कि इतने सारे लोगों को प्यार से, समझदारी से हैंडल कर लेना, फिर मिनिस्टर्स को इन्वॉल्व करना। मैं उसमें हिस्सा रहा हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें संजय जी और अनूप जी का बहुत बहुत अक्लमंदी से, बहुत बैलेंस से सब लोगों को जोड़ जोड़ के इन्होंने किया है, मैं इसका गवाह हूं। सो संजय जी अनूप जी, वेरी वेरी वंडरफुल, आप लोगों ने जो सबको जोड़ा है बहुत अच्छा, एंड भगवान इसको यहाँ तक लेकर आया है, आने वाले लोग इस बात को, आने वाली जनरेशन को इससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। हमने काफ़ी लोगों की का मार्ग आगे से प्रशस्त कर दिया इस चीज़ से।
ये जो एक ऐतिहासिक डिसीशन हुई है कि इसरा से सामरा हुआ है, अभी तक हमें कहने में थोड़ी सी अभी तक हिचकिचाहट हो रही है क्योंकि इतने सालों से हम इसरा इसरा कहते आए हैं, लेकिन इस साम्राज्य के जो आप अब हमारे हिस्सेदार हुए हैं, आप प्लीज़ कुछ दो शब्द जरूर कहिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं लीलाद्री कुमार, मैं पहले संजय जी, अनूप जी, सोनू भाई, शान भाई और जितने भी हमारे बोर्ड मेंबर्स हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ जो उन्होंने ये ऐसा डिसीजन लिया जो शायद इसके पहले किसी ने नहीं लिया हो, जो म्यूजिशियंस को इन्वॉल्व करे कोई भी, जहाँ पे पैसा है म्यूजिशियंस को इन्वॉल्व करे, ये पहले हिंदुस्तान में शायद नहीं हुआ है। तो ये एक पहली पहल कर रहे हैं और इट इज़ लाइक वॉकिंग अगेंस्ट द टाइड एंड यू नीड ऑल द लव हेल्प एंड ब्लेसिंग्स ऑफ ऑल द मेंबर्स एंड पीपल हु आर नॉट द मेंबर्स टू बी एबल टू वॉक दिस पाथ एंड आई थिंक इट इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव एंड आई फील ऑनर्ड एंड हम्बल्ड टू बी पार्ट ऑफ इट। थैंक यू। लेकिन जब आपने कहा था ना रेडियो स्टेशन वाले हमारे बारे में सोचते, फिर आप लोगों ने कद्दू सोचते हैं, तो लेकिन हम तो यही सोचते हैं कि कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा और कद्दू कटा है और सब में बटा है। अब अमाउंट इंडिविजुअली कम ज्यादा वो अलग बात है, लेकिन एक बात से खुशी है कि एवरीवन इज अ पार्ट ऑफ इट। कोई ऐसा नहीं है कि किसी को लगे कि यार इन लोग अपना कर रहे हैं, हमें अलग रखा है, या तो चाहे फीचर सिंगर्स हो, नॉन फीचर सिंगर्स हो, जो आज के सिंगर्स हैं, जो पास सिंगर्स हैं, जिनके यू नो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे साथ, एवरीवन इज कवर्ड। सो इट्स अ वेरी फेयर एंड अ वेरी ऑनेस्ट। अब कद्दू के साइज पर डिपेंड करता है, अब कद्दू लाना बाकी है, मिलेगा सब पे बटेगा ये कंफर्म है। ठीक है, वो कद्दू लाना मेरा काम है। ये एंड आई एम ऑल्सो वेरी हम्बल्ड एंड वेरी वेरी लकी। आई फाइंड माई सेल्फ एज वेरी लकी टू बी इन दिस रोल, to have to start off this particular such a melodious journey. Melodious from the point of view, it really gives a great heart to me. I'm very pleased to see that now musicians will also start getting royalties in addition to the singers. Singers also were getting royalties, but I'm more happy because they'll get more money now. And so the royalties that are now going to go to singers and musicians will be at least at par with what is happening elsewhere in the world. So I'm so finding myself lucky and blessed by God. So I thank God and I thank all of you for the support that you all have shown. And I wish that all more musicians become members and they take their royalties from Isamra henceforth. Honestly, I'm still coming to terms with the fact that I'm sharing this dais with such legends in the industry. But I think the regional, of course, I'm Ranjit, I'm KG Ranjit, I'm a singer from the south. I've sung in Tamil, Telugu, Malayalam and Kannada movies. And of course, music has no language. It doesn't really have any region. But of course, this is for the convenience of including more people. Like Sanjay ji rightly said, it's a very inclusive space and I'm really happy that I'm here representing the members from the south. I'm really excited and thank you all. Sanjay ji, before we go to Jaspinder ji, I just want to know now, so how is it going to really benefit each person here in terms of the world? So now I think the first work will be to segregate the kaddus, whether they are from Thailand or whether they are from Brazil or from UK. Yeah, so we have, as I told you, that we have signed 17 reciprocal agreements and my target is to get to 52. So once that happens and once the monies start flowing in, not only is it going to be beneficial to the country as far as foreign exchange is concerned, but also to every artist, whether they are singers or musicians. So it's a lot of to be done there. Still a lot way to go, more go to where. How do you feel, Jaspinder? मैं तो सोच में पड़ी हूँ कद्दू के कितने हिस्से होंगे, मतलब कद्दू हैज टू बी वेरी बिग, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री इतनी बड़ी है और इतने लोगों ने इसमें काम किया है, तो ये बटने वाली बात जो है मुझे उसको सोच सोच के बहुत
मतलब नाइटमेयर्स आ रहे हैं कि कैसे बटेगा. बट एनीवेज हाँ अच्छा बिल्कुल ठीक. तो जैसे कि भैया ने कहा, अनूप भैया ने बहुत ही खूबसूरती से कहा कि ये टीम वर्क है और आज हमारे म्यूजिशियंस भी जुड़ गए हमारे साथ, विच इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग. और ये आगे के लिए, एज सोनू सेड, कि आगे की जनरेशंस के लिए ये बहुत ही बढ़िया काम हुआ है, विच आई एग्री, फुली एग्री. एंड गॉड ब्लेस इसामरा, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच. एक कद्दू के नोट पे लास्ट में आपको बता दूँ, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, जो हमारे कुछ साज है इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स, तानपुरे हुए, सितार हुए, उसमें आधा कद्दू तो लग ही जाता है, बाकी पता नहीं पोर्शन कितना मिलने वाला, लेकिन आधा ये असली कद्दू के मालिक ने बोला. शैलेन जी, व्हाट वुड यू लाइक टू से? कद्दू यार, ये कद्दू अब मुझे ये डर लग रहा है कि बाहर खाने में कद्दू और दाल ही ना हो, लग रहा है आज कद्दू मिलने वाला है. लेकिन बहुत खुशी का दिन है, हिस्टोरिक दिन है आज, और मेहनत बहुत बढ़ गई है संजय के लिए, लेकिन वी प्रॉमिस दैट वी विल हेल्प यू इन एनी वे वी कैन. ना और कद्दू के बारे को कोई कद्दू उसके पैसे लेता हूँ मैं. पे टू प्ले वाला एक बात तो चलिए सर, कोई लास्ट अनाउंसमेंट, लंचेस आपको पता है अनुप जी की वैसे भी 1,00,000 का नुकसान हो गया आज. 43 पीछे लिखा था, उन्होंने बोला 44, मैंने 44 कह दिया है, तो 1,00,000 रुपए मैं शाम को दे दूंगा आज. क्या लाख रुपए. तो इसी के साथ ही अर्जेंट वो गा सकते हैं, साज हो तुम आवाज हूँ मैं, है ना. ये एक गाना था बड़ा प्यारा, साज और आवाज का. आगे क्या था मुझे आगे ध्यान नहीं. हाँ, जितने इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं, सितार, तानपुरा, उसमें जो तूंबा है वो कद्दू ही होता है, कद्दू से ही बनता है. तो कद्दू हमारे यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंस है इसकी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने. अब मुझे बहुत भूख लग रही है, चलिए आज वैसे कद्दू बनवाया. तो इसी नोट पे बस ये चाहूंगा कि आप सबका प्यार, सबका विश्वास, सबका विकास एक साथ हो, सबका विश्वास हो इसामरा पर. अपने जितने भी दोस्त हैं उनको कहिए कि इसका फ़ायदा लें, यहाँ मेंबर बने, और अपना अपना जो शेयर उनका जो भी बनता हो वो यहाँ से लेते रहें. कुछ रवि जी ने लिखा आज के इस पे, इसामरा पे, वो सुनाइए सुनाइए सुनाइए. हम हाँ सुनाइए सुनाइए सुनाइए. आदरणीय अनुप जी का आदेश हुआ तो गुरु समान उनका आदेश पालन करना है मुझे, क्योंकि उनके द्वारा ही मैं इसरा में आया और आज इसामरा में भी हम सब शामिल हैं. साज और आवाज का आज मिलन हुआ है. तो तुम भी चले जिसरा, हो हम भी चले जिसरा, तुम भी आए उसरा, मिलके हुए हम देखो इसामरा, मिलके देखो हुए हम इसामरा. लॉन्ग लिव आवर इसामरा, लॉन्ग लिव आवर. एवरीबॉडी 1, 2, 3, 4. लॉन्ग लिव आवर इसामरा, लॉन्ग लिव आवर इसामरा. अनुज जी एज ए गुरु मेरा एग्जाम ले लेते हैं, और मेरे मन में कृष्णा से इन्होंने पूरे मुझे दुनिया में एक नया
कोई ना होगा जहां गुमराह, लॉन्ग लिव आवर इसामरा। चलिए अब इसी राह से चलते हुए बाहर निकलते हैं और भोजन पान करते हैं। इसरा में जो तरक्की हुई है वो कमाल की हुई है। पिछले साल तक हम सिंगर्स के लिए रॉयल्टी कलेक्ट कर पाते थे 2 करोड़ रुपए साल में, लेकिन अब सब मिल गए, सारी म्यूजिक कंपनीज सब हमारे साथ हो गई, सबसे दोस्ती हो गई और अब हमारा कलेक्शन 50 करोड़ है इस साल का। मुझे बहुत खुशी है कि ये 50 करोड़ उन सिंगर्स को जाएगा जिनका हक बनता है, उनके गाने बजते हैं, उनके गाने मॉल में बजते हैं, डीजेस बजाते हैं, उनके गाने एयरलाइंस में, उनके गाने रेलवेज में, उनके गाने हर फंक्शंस में बजते हैं, तो उनको उसका पैसा आना चाहिए। और अब आज जो हमने अपने 10th AGM में जो घोषणा की है वो बहुत बड़ी बात है। वो ये है कि अब ये इसरा नहीं है, अब यह है इसामरा, इंडियन सिंगर्स एंड म्यूजिशंस राइट्स एसोसिएशन। तो ये बहुत बड़ी बात हुई है कि अब हमने इसमें म्यूजिशंस को भी ले लिया, क्योंकि आप समझते हैं कि ये गाना जो बनता है वो गाना सिर्फ सिंगर से या लिरिक राइटर से या म्यूजिक डायरेक्टर से तो सिर्फ नहीं बनता, उसमें और भी तो चीज़ें चाहिए। उसमें फ्लूट बजती है, उसमें गिटार बजता है, उसमें शहनाई बजती है, उसमें सितार बजता है। तो म्यूजिशंस को भी रॉयल्टी मिलनी चाहिए, इंटरनेशनली मिलती है, बाहर मिलती है, तो हमको भी उनको म्यूजिशियन को भी हम उनको रॉयल्टी दें, ये बहुत ज़रूरी है। तो अब ये काम शुरू हो गया और उसमें हमने बोर्ड मेंबर बनाए हैं नीलाद्री कुमार जी को, जो बहुत अच्छे सितार प्लेयर हैं, तो एज ए म्यूजिशियन उन्होंने ज्वाइन किया है। अब उनकी हम सलाह लेंगे, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, अब तो उनसे पूछेंगे क्या क्या हमें आगे करना है। और म्यूजिशियंस को भी जिन्होंने गाने में बजाया है उनको भी इसकी रॉयल्टी मिलेगी। तो आज ये बहुत बड़ा फैसला हुआ। फॉरेन से रॉयल्टी तो हमको आती नहीं थी इंडिया को, अब हमने फॉरेन में भी सबको समझा बुझा के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं और आज हमने 44 लाख फॉरेन से जो पैसा आया है वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। वो उन सिंगर्स को पहुंच गया जिन्होंने जिनके गाने फॉरेन में जगह जगह बजते हैं, उनको रॉयल्टी नहीं आती, अब वो भी आना शुरू हो गई और वो भी काम शुरू हो गया। तो मैं पूरी इस आमरा टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और जितने भी हमारे सिंगर्स हैं, मेंबर्स हैं, उन सबको बधाई देता हूं, बोर्ड मेंबर्स को बधाई देता हूं कि ये काम इतनी खूबसूरती से हो सका। शुक्रिया। पहले मैं बोल देता हूं, बहुत लंबी जर्नी है, बहुत लंबा सफ़र रहा है, बहुत लोगों ने योगदान दिया है, कुछ आपके सामने हैं आज, कुछ जो नहीं भी उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ये बहुत लंबा सफ़र रहा है और इसके पहले बहुत दूरी थी संगीतकारों में, गायकों में, गीतकारों में, म्यूज़िक कंपनीज में, वादकों में। ये ओवर द इयर्स सारे मेरे ख्याल से हम सकारात्मक लोगों ने मिलके, पॉजिटिव लोगों ने मिलके ये दूरी को कम किया है और ख़त्म कर दिया ऑलमोस्ट। अब सब एक यूनिट है, म्यूज़िक कंपनीज, गायक हो, गायिकाएँ हों, वादक हों, संगीतकार, लिरिक्स राइटर, सब अभी एक साथ मिल के अपना कदम रख रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात हुई है इस पूरी मुहिम में। जी जी। और जैसे आपने वो पाइट पाइपर की कहानी सुनी होगी ना कि एक इंसान, ऑफकोर्स हम खुद को चूहे नहीं कह रहे लेकिन संजय जी हमारे पाइट पाइपर हैं और वो, लेकिन फ़र्क ये है कि वो हमें बहुत अच्छी दिशा में लेकर आ रहे हैं और द फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट फॉर द न्यू जनरेशन ऑफ सिंगर्स और म्यूजिशंस और एक स्ट्रीमलाइन सिस्टम बना है और अगर हम इस सिस्टम को मान कर चले तो एक यू नो म्यूजिक इंडस्ट्री में अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं था, कोई एसोसिएशन, कोई एक जहां हम सब एक होकर चले, तो ये बहुत कमाल हुआ है। जो कमाल हुआ है वो तो ये है कि सारे आर्टिस्ट अब एक हो गए हैं पूरे भारत के, तो इट इज़ समथिंग हिस्टोरिक कि सारे लोग अब एक होकर वी आर बिकमिंग अ फोर्स टू रेकन विद एंड दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। एक और बात कहना बड़ा ज़रूरी है कि ये हम किसी अभी तक फाइनल निष्कर्ष पर नहीं पहुँचे हैं, ये कैसे हर साल हम बेटर होंगे। आज हमने यहाँ तक गाड़ी लेकर आए हैं पर लाखों सिंगर्स हैं और करोड़ों गाने हैं,
उनको पहले डिसाइड करना, सबको फिगर, ये बहुत बड़ा काम इनके सर पे है। और ये मत सोचे कि एक साल किए तो नेक्स्ट ईयर ईजी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हर साल नए सिंगर्स आएंगे, हर साल नए गाने बनेंगे, हर साल फिर से डिसाइड किया जाएगा। तो ये बात सिर्फ हज़ारों की बात नहीं है, ये करोड़ों गानों और करोड़ों जो उसके सिंगर्स होंगे, जो उसके प्लेयर्स होंगे, उन सबको करना, तो ये बहुत मुश्किल और जटिल काम है। ये अभी भी हम हर साल हमको एक नया मकाम हासिल करना पड़ेगा, अपने आप अपने परिवार को बढ़ाना पड़ेगा, फाउंडेशन को हमारे जो उसको और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और खुशी की बात यह है कि ये केवल सिर्फ बॉम्बे के लोगों के लिए नहीं है, इट इज़ फॉर सारे, जहाँ छोटे छोटे शहरों में भी जो आर्टिस्ट हैं, जो सिंगर हैं, जो म्यूजिशियन हैं, उनके लिए भी ये है, उनको भी रॉयल्टीज जाएगी, क्योंकि यहाँ से आप रॉयल्टीज हर एक को जाएगी। इन्होंने बहुत प्यारी एक फ्रेज कही है ना, पे टू प्ले। अब ये नहीं है कि आप हम एंटरटेन कर रहे हैं तो हाँ हाँ एंजॉय करें, ऑफकोर्स यू कैन एंजॉय, बट स्मॉल पेमेंट अगर करना हो यू वैल्यू इट बेटर। सो आई थिंक दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। थैंक यू। हाउ डस इट फील मैम बीइंग टुडे एट द इसामरा लॉन्च? Today I feel it's a very historic meeting, this AGM, because I have been part of the ISRA even more than 10 years. I've been a member probably at least 20, 23 years. And we started off with just four or five people and Sanjay Ji. And now today, finally, we've got close to 50 crores to be distributed. I think it's been a long battle, but we are seeing a light at the end of the tunnel. And I'm very, very happy that finally singers are getting the respect that they deserve, and hope that someday these singers who don't have work, who are not able to sing for decades after decades, will still go home, and when they retire, they'll have some money to fall back on when they're not able to perform and they're not able to sing, and they can keep their heads up with pride. How does it feel to see Lata ji's dream come true today with everyone coming under one roof? Yes, absolutely. Lata ji is absolutely a goddess for us. She's an icon. Not only in music, but she had this foresight, and she was a visionary. She knew that this was very, very important, because singers all over the world were getting their royalties, so why not Indian singers? I think she saw that, and today wherever she is, I'm sure she's smiling and she's happy that even the junior most singer who has sung even two songs, if his songs get played, he'll get a royalty. I'm sure Lata ji is smiling about it. Thank you so much. इसरा इज बिकम इसामरा, यानी सिंगर के साथ, सिंगर्स के साथ म्यूजिशियंस भी आ गए। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। कंग्रेचुलेशंस टू इसरा कि उन्होंने सिंगर्स और म्यूजिशियंस को कंबाइन किया है आज से। बहुत ही खुशी की बात है। बड़ा ही खूबसूरत आज का ये माहौल है, और सारे मीडिया वाले आए हैं, सब बहुत बेहद प्यार दिया है उन्होंने। और आने वाले समय के लिए, हम कलाकारों के लिए बहुत ही खूबसूरत रास्ता खुल गया है, और इससे हम सब लोगों को, हम सब कलाकारों को, और आने वाले जनरेशन्स के जितने भी कलाकार होंगे, सबको रॉयल्टी मिलेगी, और वो खुशी के मारे और भी अच्छा काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं आप सब लोगों के साथ। आप सब लोग मेरे लिए भी दुआएं करिए। मैं निकला गड्डी लेके रास्ते पर, उस सड़क में एक मोड़ आया, अब मैं इस अमरा में दिल छोड़ आया। एवरीवन, एंड टुडे इज अ हिस्टोरिकल डे कि आज इसरा को इस अमरा कर दिया गया है, एंड अब आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जी, बहुत नीक, बिकॉज देखिए हम लोग सब एक टीम वर्क हैं। जब हम स्टेज पे भी जाते हैं तो म्यूजिशियंस होते हैं हमारे साथ। एक गाने की शुरुआत होती है, एक राइटर उसको लिखता है, म्यूजिक डायरेक्टर कंपोज करता है, सिंगर गाता है, और उसको सजाने के लिए इतने सारे म्यूजिशियंस होते हैं जो बहुत ज़रूरी है, तो उनके बगैर हम अधूरे हैं। सो इसलिए आज जो इसामरा की ये शुरुआत हुई है, ये बहुत अच्छी हुई है, क्योंकि इससे म्यूजिशंस को भी उनका हक मिलेगा, और वो लोग भी इस चीज़ को जो है रिलीज कर पाएंगे, जो कि बहुत अच्छी अच्छी बात हुई है। का करियर
ऑफ कोर्स जो कुछ भी हुआ है ऐसा ही होता है जनरेशंस में कि कोई करता है और फिर उसको जो है भोगता कोई और है. तो ये जो हुआ है ये बहुत अच्छा हुआ है और आगे की जनरेशन जो है इससे लाभ उठाएंगी, इससे फ़ायदा होगा उनको. ये हम आगे की सोच के कह रहे हैं. आगे का अभी सिंगर्स को और म्यूजिशंस को मैं यही कहूँगी कि हुआ तो देर से है, कहते देर आए दुरुस्त आए, ये हुआ है और अच्छे के लिए हुआ है. आगे भी मैं ये आशा करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि सबको उनका हक मिले और कोई भी जीव जो है वो इससे वंचित ना रहे, सबको मिले अपना अपना. थैंक यू जी. के साउंड इज दिस ऑन जी. Check 1, 2, okay. Is that now becoming a standard? How are you feeling about it? ये बहुत अच्छी कोशिश है कि सिंगरों के साथ साथ जो म्यूजिशन है जिनका बहुत बड़ा सहयोग है उनको भी इसमें शामिल किया है. मैं अगर अपनी बात करूँ तो आई स्टार्टेड माई करियर एज अ तबला प्लेयर और ऐसी लागी लगन और रंग दे चुनरिया एंड घुंघरू टूट गए ये सब मेरा ही बजाया हुआ है उस पर तबला. तो आई एम वेरी हैप्पी कि चलो म्यूजिशनों को भी इसमें जो है वो नॉन फीचर्ड जिसे कहते हैं कि उनको 10% रॉयल्टी उनको भी मिलेगी. तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि इन दिनों जो म्यूजिशन उम्रदराज हैं जिनको अभी काम नहीं मिलता है या जो लोग एक्टिव नहीं हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा सहारा हो जाएगा. मुझे ये लगता है कि आखिरकार भारत में म्यूजिशियन को एक आर्टिस्ट को अपनी जगह मिलेगी और एक प्रोफेशन की तरह से इसको एक्सेप्ट किया जाएगा. क्योंकि पहले जो था कि आपका बच्चा क्या करता है तो वो म्यूजिशियन है, वो गाना गाता है. नहीं वो तो ठीक है लेकिन करता क्या है. तो वो एक जो ये एक रूढ़िचुस्त प्रणाली थी पहले से, इसका भी ब्रेक हो गया है हिंदुस्तान में. और अब ये इसरा के बनने से जो गायक है उनको अपनी पहचान और अपनी एक अलायदा अपना मुकाम मिलेगा. तो ये बहुत बड़ा स्टेप है और हम आभारी हैं जितने भी इसरा के कार्यकर्ता हैं सबके जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं. और हमारी बहुत बहुत शुभकामना. हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कौन से गाने में किस आर्टिस्ट ने वायलिन बजाया है या किस आर्टिस्ट ने सैक्सोफोन बजाया है या किसने तबला बजाया है, किसने ढोलक बजाया है. तो ये सब बेचारे गुमनामी में थे. लेकिन अब जो है वो ये रॉयल्टी मिलने से थोड़ी उनके जीवन में जो है थोड़ा सा उत्साह ज़रूर आएगा. और मतलब आई थिंक इट्स अ कम्युनिटी बेस्ड, इट्स नॉट फॉर पब्लिक. इसरा की जो भी कार्यवाही है, जो काम करती है इसरा, ये पब्लिक को दिखाने के लिए नहीं है लेकिन एक कम्युनिटी वाइज इट विल बी अ स्ट्रॉन्ग एक्शन. थैंक यू. नमस्कार, मैं नीलाद्री कुमार. आज इसमरा जो आप ने यहाँ पे हम लोग ने देखा, जो इसका जो ओपनिंग हुआ है, इंडियन सिंगर्स एसोसिएशन, सिंगर्स एंड म्यूजिशंस एसोसिएशन जो इसमरा बना है उसमें आज म्यूजिशंस जो हमारे बॉलीवुड म्यूज़िक में म्यूज़िक का जो जगह है वो आप सभी जानते हैं. और आज म्यूजिशियंस को इसमें इंक्लूड करके एक आप बोल सकते हैं एक बहुत शुभ आरंभ हुआ है. जो आने वाले जो ज़माने हैं, आने वाले जो कलाकार हैं उनको एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा. जो हमारे एंसेस्टर्स, जो हमारे गुरुजन पहले जो ऐसे कमाल काम किए हैं म्यूज़िक में, उन लोग शायद ऊपर से
आशीर्वाद दे रहे होंगे ये सोचते हुए, जिस काश हमारे वक्त भी ऐसा हो, तो ये आगे आने वाले जो जनरेशन्स है ये बहुत बड़ा काम हुआ है। इसामरा सिंगर्स एंड म्यूजिशंस रॉयल्टी राइट्स एंड ये एक्चुअली आप उसको मैं इस ढंग से उसको देखता हूँ जो ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, इट इज़ अबाउट रिकग्नाइजिंग, इट इज़ अबाउट रिकग्निशन ऑफ व्हाट इज़ द राइट ऑफ दैट पर्सन, रिकग्नाइजिंग उस इंसान का जो ये उनका राइट है, ये बहुत ज़्यादा मायने रखती है मोर देन द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज़ देयर। सो इट इज़ माय प्लेजर ऑनर एंड आई एम हम्बल्ड टू बी पार्ट ऑफ इसामरा, थैंक यू सो वेरी मच। मुझे लगता है कि इस तरह से जो इसामरा बना है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ये काम भी हमारी सरकार को और या फिर हमारी इंडस्ट्री में बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि कोई भी जो गाना होता है उसमें तभी जान आती है जब उसके साथ में उसकी म्यूजिशंस का जो टैलेंट है वो भी उसमें जुड़ता है। अगर कोई गाना कोई व्यक्ति बिना किसी म्यूजिशंस के गा रहा है तो अच्छा लगेगा, लेकिन जब उसमें सारे म्यूजिशंस का साथ होता है तो वो और भी सुंदर बन जाता है, और भी महत्वपूर्ण बन जाता है और एन्जॉयबल बन जाता है। तो इसरा में जो म्यूजिशंस साथ में जुड़ रहे हैं जिसकी वजह से आज हमारी इसरा इसामरा हो रही है, उसके लिए मैं सभी म्यूजिशंस को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनके धैर्य की भी सराहना करता हूँ कि उन्होंने इतने धैर्य से इतने दिन तक हमारा साथ दिया। और अब जो है सारे म्यूजिशंस को उनके रिटायर होने के बाद में भी, यानी कि जब वो, वैसे तो एक म्यूजिशियन और एक सिंगर हमेशा जवान रहते हैं, हमेशा उनका संगीत और मैच्योर ही होता जाता है, लेकिन जब वो इस अवस्था में नहीं होते कि जब वो परफॉर्म कर सकें या उतना अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें जितना वो अब तक देते आए हैं, उस समय के लिए भी उनके साथ में एक रॉयल्टी का इंतज़ाम हो रहा है जिससे उनके परिवार को उनके जनरेशन्स को बहुत फ़ायदा मिलेगा। क्या होता है कि एक सिंगर को फिर भी कभी कभी आप देखते हैं कि एक सिंगर के साथ में तो देखिए हमेशा कॉन्सर्ट्स होते हैं, लेकिन जिस म्यूजिशियन ने रिकॉर्डिंग में बजाया लाइव प्रोग्राम में तो फिर भी सिंगर्स के साथ में म्यूजिशियंस हो जाते हैं, लेकिन जिन म्यूजिशियंस ने ऐसे अद्भुत और अमर म्यूजिक बजाया अपने वाद्यों से जिससे कि वो गाना सुंदर बना, उन लोगों के कभी चर्चा नहीं होता उन लोगों का, क्योंकि वो स्टूडियो में उन्होंने बजाया, उनको पैसे मिल गए और बात ख़त्म हो गई। लेकिन अब उनके लिए भी एक अच्छा रास्ता खुल गया है और मैं उन्हें भी बहुत बधाई देता हूँ कि उनका जो ये कंट्रीब्यूशन रहा है फिल्म के गानों को, फिल्म के म्यूज़िक को अच्छा बनाने में, अमर बनाने में और इन्जॉयबल बनाने में, अब उनके लिए भी ये रास्ता खुल गया है कि उन्हें भी हमेशा रेगुलरली कुछ ना कुछ रॉयल्टी मिलती रहेगी, जिससे कुछ ना हो कम से कम कुछ मेडिकल बिल्स जो लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में आते हैं या जो रहने की कुछ कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी उनकी देख रेख हो जाएगी। दे विल गेट अ लॉट ऑफ हेल्प एंड लॉट ऑफ एनकरेजमेंट ऑल्सो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई वॉच दिस हैपन राइट अबाउट अ कपल ऑफ मीटिंग्स बिफोर दिस। आई बीन कमिंग एंड आई बीन रिप्रेजेंटिंग द इंडी कैटेगरी ऑफ म्यूजिक and I think I have been quite conscious about this whole move from Isra to Isamra, and I've been kind of contributing to it in my own way, and once again I would like to use this public forum that you made available to us, where I would request every musician that I know, okay, and every singer that I know to come and join us, because this community is growing stronghold and I have not witnessed this strength, okay, in a long time for the several AGMs that I've been part of. And there's a huge indie community that I would like to tap on, being part of India's first and only boy band, the Band of Boys. I would request everybody who's from my batch and below, okay, to please come join hands with Isra, which is now Isamra, because we're also taking care of the musicians who are involved in this journey of music with us. Well, a couple of years ago, I wouldn't see my guitar player's name in any of the credits. Even now, if you go to Spotify, you only see the music director's name and perhaps the singer's name. All right? And if it's a recreation, then sometimes it's only the recreated person's name, but not the original composer's credit or the original singer's credit. So a lot has to change. This is quite, this is what we call metadata. In the Western world, is quite
done in a detailed way. There is like absolute information of top line and second line and third line and arrangement and production and mix and master, and every last spot person in that is also credited, okay, which happens in the VFX world a lot. That same credibility criteria need to be passed on to music in the Indian industry for sure. How do you feel about the future of work? Well, it's been 10 years and I've been receiving royalty checks, so I can't complain. And I'm sure all the senior musicians and singers who've been witness to everything that ISRA has shown in the last 10 years, with the amount of royalty checks that go to them, I'm very, very certain that this strength will only increase. I think this entire work, whether it was a Music Composers Association or whether it was Singers Association, it started a few years ago, a decade ago. And we were far from where we are today. Worldwide, people have been receiving their royalties for hundreds of years. It was only our country jahan pe pata nahi kyun music ko shayad value nahi di thi, or I don't know what the reason was, that maybe labels didn't allow it. But I think kudos to all our seniors of our industry who put their foot down and said that we must get our rights. Sochiye na aap itne saalon mein itna music ne entertain kiya. I feel music is the biggest entertainer in this world. As compared to anything else, even for a movie you can watch 3 times, 4 times, which means it entertains. One film can entertain you maybe 10 hours in your lifetime. But a song will entertain you, or you'll listen to it at least 5,000 to 1,000 times in a span of your life, which means that it's the biggest entertainer in your life. It's entertaining you day and night. But I don't think we as musicians who are creating the purest form of entertainment and the best entertainment, were getting paid. If any other entertainment, people don't mind paying. You go to Taj Mahal, you pay. You go to Qutub Minar, you pay. You go for a stand-up comedy, you go a show, you anywhere, whether it's a drama, a play, any form of entertainment, you're ready to pay. But music, nobody was ready to pay. But things have changed now, and it's very good, because why should you enjoy anything for free? It's a lot of hard work, a lot of people who give their life to creating music, and then there's a lifespan for every musician. So the royalties take care of your rest of the life, you know. So I'm very happy that now ISRA will also be paying 10% to all the musicians who have been a part of this, because they are important. Like as Meet Brothers, when we create a song, we know that people who have played live instruments or who've done the chorus are a very important part of the song. Without them, the song could not have been a hit. You know, like if we create a song, maybe like a baby doll. So there's a lot of, there's a rapper in it, there's a live guitar playing in it. We cannot take anything away from what they've added to the song. So very happy that even those people who are not the featuring performers will also get money. So anybody who has contributed to a song from now on will start getting money. Hona to bahut pehle chahiye tha, but there aaye durust aaye, as long as it's happening. So congratulations to all the musicians and coming on board. And of course, ISRA has become ISAMRA now, which is a beautiful initiative. And it's going to change a lot. Future of music in India is, I think, going to be music is the most popular commodity in India anyway. Aaj se nahi hai, saalon se hai. Bina music ke subah se raat kisi ki nikalti nahi hai. Aisa possible hi nahi hai ki kisi family ne pure din mein music hi na suna ho. Which obviously means that it's the most integral part of everybody's lives. But the thing was that it was not valued properly. Pehle piracy hoti thi, internet ke saath free music aa raha hai. Free kyun? Why free? Somebody's created it, somebody's put money, producers put crores of rupees to promote a song when it's film music. Independent music, many music labels put so much of money to promote a song. And that's when you get that entertainment. So future is beautiful. All the musicians, all the people who are creating music, congratulations guys, you're going to get your due. You know, if aapne kuch create kiya hai, toh uska haq jo aapko milega. And country is ready to pay through streaming platforms. Radio stations are paying. When you party in a क्लब में पार्टी करते हैं या आप किसी बैंकवेट में अपनी शादी करते हैं तो उसके लिए लाइसेंस लगता है. सो एंड इट्स राइटफुली यू नीड टू पे फॉर इट, बिकॉज इफ वी आर क्रिएटिंग म्यूजिक फॉर यू एंड इफ वी आर एंटरटेनिंग ऑल ऑफ यू, व्हाई नॉट पे फॉर इट. एंड इट्स हार्डली एनीथिंग. इफ यू सब्सक्राइब टू अ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, इट्स $200.
it's something that you spend on a chart in your city. तो क्या आप जो गाना और जो म्यूजिक जिसके अंदर 50 करोड़ गाने आपको मिलते हैं, क्या आप उसके लिए 200 रुपए देने को तैयार नहीं है जो आप एक चार्ट के लिए देते हैं? थिंक अबाउट इट, क्योंकि बहुत सारी म्यूजिक इंडस्ट्री के लोग हैं जिनको उस पैसे की जरूरत है. सो थिंक अबाउट इट. आई एम टॉकिंग टू एवरीबडी हू इज लिसनिंग टू म्यूजिक एंड एंजॉइंग आवर म्यूजिक. प्लीज थिंक अबाउट इट एंड डू सब्सक्राइब टू ऑल द स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स एंड प्लीज स्टार्ट पेइंग अप. हू इज गोना आस्क? ओके, फिर से बोलें. गाइस प्लीज यार, हाँ आप पहले यहाँ से पूछ लीजिए, कोई या मैं सुन लेता हूँ फिर आगे. हाँ बोलिए. हाँ नहीं, एक तो बहुत सारे आप लोगों को पता लग चुका है कि जो ये हिस्टोरिक चीज़ें हुआ है, ये भारत में पहले, मैं इंडिया में पहली बार ऐसा डिसीजन लिया गया है. पार्लियामेंट के डिसीजन है, लीगल डिसीजन है, लॉ के अंदर ये आ गया है कि सारे सिंगर्स एंड म्यूजिशंस को वो जो इतने सालों से करते आए उसका हिस्सा जो मिलना चाहिए था वो मिल रहा है. एंड इसरा, अब इसरा नहीं इसामरा है, वो और खुशी की बात है, क्योंकि ये गाना बनने में जिन लोगों का हिस्सा होता है, जिसमें गाने से लेके बजाने से लेके सबको वो हिस्सा मिल रहा है. क्योंकि ये जो गाने होते हैं इनमें ये जो होता है ना, एक इंडस्ट्री है, लगता है कि गाना सुनो बस खुश रहो. और गाना ऐसा चीज़ है, आप फिल्म देखने 3 घंटे के लिए जाते हैं, गाना ऐसा चीज़ है जो अब दिन भर सुबह से रात तक सुन सकते हैं. तो सब ऐसे कंज्यूम करते हैं और म्यूज़िक में पैसा कमाते हैं लोग, यू नो, रेडियो से, रेडियोज़ हो या म्यूज़िक कंपनीज हो, बहुत सारे लोग पैसे कमाते हैं. तो इसीलिए आई थिंक जिन्होंने जो बनाते हैं म्यूज़िक उनको भी वो हिस्सा मिलते रहना चाहिए. और ये एक दिन का पैसा नहीं, वो रिकरिंग है, सालों साल मिलता है. तो म्यूजिशंस को और सिंगर्स को भी मिलने वाला है वही हिस्सा, बहुत खुशी की बात है. और म्यूज़िक कंपनी, एक और बहुत अच्छी बात है जो आपको पता लग चुका होगा कि म्यूज़िक, फर्स्ट टाइम एवर म्यूज़िक कंपनीज एंड इसामरा जो म्यूज़िक बनाते हैं, जो म्यूज़िक रिलीज करते हैं, सब एक साथ जुट गए हैं ये कलेक्शन सिस्टम के लिए. सो आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी हिस्टोरिक. इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजंस इन द सेंचुरी आई थिंक फॉर म्यूजिशंस एंड सिंगर्स. वही मैं बोल रहा हूँ कि ये तो शुरुआत है कि इसामरा हुआ है, इसरा अभी, और म्यूज़िक कंपनीज भी है अभी जुट गए हैं, सारे जो एक साथ हो गए हैं ना, यहाँ से शुरू है अभी. अभी और ज़्यादा ये तो तय हो गया कि ऐसा होगा. अब ये कितना होगा, कैसे होगा, ये सबके ऊपर है, सब जुट के. एंड इंडिया के हर जगह के, भारत के कहीं भी म्यूजिशियंस हो, सिंगर्स हो, सब एक साथ इससे फ़ायदा करेंगे. तो आई थिंक एवरीवन शुड कम टुगेदर. अलग अलग रीजन से आए सब, और अलग अलग रीजन में होगा भी इसका, इसरा का चैप्टर्स. तो आई थिंक एवरीवन इन द म्यूज़िक इंडस्ट्री, हूएवर हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू म्यूज़िक फॉर एवर, पिछले मतलब कब से लेके अब तक, सबको इसका फ़ायदा है. सो आई थिंक इट्स ए ग्रेट ग्रेट डे. थैंक यू. प्लीज़ हिंदी. बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमारे जैसे और भी बहुत सारे म्यूजिशियन होते हैं जिन्हें, जिनके बहुत सारे सवाल हमसे भी होते थे कि आप लोगों को रॉयल्टी मिलती है और हमें भी, हम भी इतनी मेहनत करते हैं, हमें नहीं मिलता है. सो लगता था कि कैसे कहें, क्या कहें, क्योंकि अभी किसी तरह से हम ही लोग इतने दिनों से फाइट करते करते अपनी रेमोनरेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं. बट फाइनली संजय जी और इसरा पूरी टीम मिल करके इस बारे में सोचे और एक सही डिसीजन हमारे गवर्नमेंट ने, हमारे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सभी ने दिया, ये बहुत ही खुशी की बात है. कि हमारे साथ जो प्लेयर काम करते हैं, बिना उनके हम अधूरे हैं, तो उनका, उनके लिए भी कुछ हो पा रहा है, वो बहुत ज़रूरी चीज़ थी. और आई एम वेरी हैप्पी. हंड्रेड परसेंट, क्योंकि अब भी तो फ्लैक्चुएशन इतना ज़्यादा आया कि वो फ्लैक्चुएशन देख करके सभी डर गए कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं. और मुझे लगता है कि ग्लोबली हर आदमी हर महीने कमाता है और हर महीने खाता है. सो उसके पास उसका पेंशन सा ये हो गया और थोड़ा सिक्योर हो गया कि हम खाने के बगैर नहीं मरेंगे. सो वो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हर लोग यहाँ, हर एक फील्ड में स्टार नहीं होते.
ज़्यादा से ज़्यादा लोग वही होते हैं जो उनके सपोर्ट से वो स्टार बनते हैं, तो वो सपोर्ट करने वाले कहाँ जाएँ। तो उनके लिए भी बहुत खुशी हो रही है, हमारे लिए भी खुशी हो रही है, क्योंकि हर एक चीज़ का एक टाइमिंग होता है ना, कि मतलब हम 10 साल गाएंगे, 15 साल गाएंगे, उसके बाद कहाँ जाएंगे। सो रिटायरमेंट के बाद हमारे पास कुछ भी नहीं है, और स्टॉक में रख के तो कोई भी नहीं बैठता है, समय के हिसाब से उसकी परिस्थितियों के हिसाब से उसके पैसे ख़त्म हो जाते हैं। सो अगेन मतलब ये बहुत ही काबिले तारीफ बात है। इंडियन म्यूज़िक के फ्यूचर के बारे में बदलता ही जा रहा है, बहुत तरीके से बदल रहा है, और मुझे लग रहा है कि आज के टाइम में और आने वाले कल में बहुत सारा फ़र्क होगा। लेकिन जितना भी फ़र्क हो, काम हम ही कर रहे होंगे, बिना हमारे कोई काम नहीं होने वाला है, और मिलजुल के काम करेंगे एक दूसरे के साथ। हमें लगता है कदम से कदम मिला के काम करेंगे तो बेहतर होगा। मैं यही कहना चाहूँगा, पहले तो वो जल्दी से ज्वाइन करें, सबसे पहला काम है कि प्लीज़ गाइस ज्वाइन करो आप, क्योंकि इससे अच्छा अवसर, और लेट बिल्कुल नहीं करो, क्योंकि जितना लेट करेंगे आपका ही नुकसान है। इसे ज्वाइन करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टमेटिक तरीके से अपने आप को फॉलो करें, सही कंपनियों से बातचीत करें, एग्रीमेंट को देखें, और आगे खुद को बढ़ाएं, और नाम हर जगह मेंशन करें। जो आज मैंने देखा कि क्वेश्चन उठ रहा था कि हमारा नाम नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं हमारी प्रॉब्लम है कि हमने क्यों नहीं एग्रीमेंट में वो सारी चीज़ें मेंशन की। और वो जब आता है उसी वक्त आप उस बात के लिए फ़ाइट करो। इसके लिए हमें यहाँ आके संजय जी से या हमें इसरा टीम से बोलना पड़ रहा है, हम सब तो उसी दौर से गुजर रहे हैं। तो जो बीत गया वो बीत गया, थैंक गॉड कि फिर भी इसरा इस बात को ले रही है कि आप नाम दे दो, हम बेस्ट करने की कोशिश करेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आने वाला कल हमारे म्यूज़िक का अच्छा ही होगा, बुरा कोई दिन नहीं होता है, जो होगा अच्छा होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। दोस्त, मैं तो आया था बनने सिंगर, लेकिन इंडस्ट्री ने म्यूज़िक डायरेक्टर बना दिया, लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अगर मैंने 500 गाने रिकॉर्ड किए तो 40-50 गाए। एंड मैं बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता हूँ संजय टंडन, सोनू निगम, अनूप जलोटा, वो सब, अद्वैत नारायण, जितने भी लोगों ने, आशा जी, सब ने जो मेहनत की। यू नो कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि 20 साल तक इंतज़ार करना है एक बीज को बोना, सोच का भी ऐसा भी होना चाहिए, सिंगर्स की रॉयल्टी होनी चाहिए। तो ये जो अभी दिस इज बिकम अ ट्री, नाउ एवरीबडी विल गेट द फ्रूट ऑफ दिस सीड, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता म्यूजिशियंस के लिए। अब सोनू उदय जी, हम एक्चुअली रॉयल्टीज़ का मेन मकसद ये नहीं है कि हमें उससे खाली पैसा ही मिलना है, लेकिन जो आने वाली जनरेशन है, जो यूथ आगे बढ़ेगा अभी, और जो सिंगर जिन्होंने कम भी गाने गाए हैं, उनके लिए ये बहुत बेहतरीन बात है कि इवन इन द ओल्ड एज दे विल बी गेटिंग इतना क्वांटिटी। कई बार गाने को नहीं मिलता है लाइफ के अंदर, किस्मत होती है, लेकिन क्वालिटी, अगर कुछ सिंगर जिन्होंने अच्छे गाने गाए हैं और उनको कम भी गाए हैं, लेकिन उनमें दम है अगर उन गानों में, और उसकी वजह से अगर उनकी ज़िंदगी में एक रेगुलर इनकम आती है, तो इट्स अ वेरी वेरी वंडरफुल थिंग हैज़ बीन डन बाय इसरा, एंड आई एम ग्लैड इवन म्यूजिशियंस हैव बीन इंक्लूडेड नाउ। ये भी बहुत अच्छी बात है, अभी इसामरा हो गया शायद म्यूजिशियंस के नाम से। तो आई कॉन्ग्रेचुलेट एवरी वन। डेफिनेटली म्यूज़िक डायरेक्शन मेरा एक प्रोफेशन है, सिंगिंग ज़रूर पैशन है, दोनों कंटिन्यू रखेंगे, और ये जो जर्नी है ये बहुत सक्सेसफुल हो सबके लिए, हमारे लिए, हमारे फैंस के लिए भी, सबके लिए। थैंक यू वेरी मच। वेल, आई हैव बीन अ लाइफ मेंबर ऑफ इसरा फॉर आई डोंट नो हाउ मेनी इयर्स, एंड एज अ प्रोफेशनल वॉइस एक्टर एंड अ सिंगर आई हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री फॉर द लास्ट 35 इयर्स, and our battle for royalties has been on since that time, and it's very heartening to see that finally Isra has been able to take a giant step and collect all the royalties of the singers on our behalf. And now, in fact, even the performing artists or the people, the musicians who put their heart and soul into making each and every song a hit, they are also being taken under the umbrella of Isra, and Isamra is a new, you know, it has been created,
and it's nice to meet some old friends, you know, musicians like today. I met Niladri Kumar, and he's going to be in charge of the musicians wing. And I wish them all the best, and all the best to Isra to continue the good work. Thank you. Obviously, because now, since they are going to be the non-featured performers, and their names also will be there, it will be binding on whichever music company or whatever film production house, that even their names will have to be documented in each and every song that is recorded, along with the main or lead singers also. So obviously, they are going to be benefited. You know, whatever the small percentage of royalty it may be, but obviously it will be a lot of very beneficial for them. Please come into the press conference. Everybody leave from here. Thank you, ma'am. Okay, thank you. Thank you very much. सबसे पहले नमस्कार खम्मागणी जय राजस्थान जय हिंदुस्तान मैं राजस्थान से हूँ और इसरा का ऑलरेडी मैं मेंबर हूँ आज इसरा इसामरा हो गया है जिसमें पहले खाली सिंगर्स थे और आज हमारे जो म्यूजिशियन लोग जो है आर्टिस्ट जो दूसरे लोग हमारे साथ में बजाते हैं जो इंस्ट्रूमेंट प्लेयर है उनको भी ऐड किया गया तो हमारा परिवार बहुत बड़ा हो गया है और सारे जो आर्टिस्ट जो मेंबर्स बन रहे हैं उनका सबका मैं स्वागत करता हूँ शुभकामनाएँ देता हूँ एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि मैं उसका मेंबर हूँ एंड आज संजय जी ने बोला कि वो हर चैप्टर भी खोल रहे हैं तो राजस्थान से मुझे बोला गया है कि आप उस चैप्टर को संभालिए तो मैं डेफिनेटली जितना मेरे से होगा मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग राजस्थान से मैं जोड़ सकूँ जो क्योंकि राजस्थानी फोक म्यूजिक है उसमें इतने गाने हो गए कि हम लोगों को राइट्स नहीं मिलते थे हमें क्रेडिट नहीं मिला है उनका पैसा नहीं मिला है तो ये जो एसोसिएशन है ये उस काम में सबसे आगे आ रहा है सिंगर्स को आर्टिस्ट को उसकी रॉयल्टी के लिए तो आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू इसामरा एंड संजय जी सॉरी आई विल सी मैं इसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट देख रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से मैंने ऑलरेडी बोला है कि ये एक पहला ऐसा एसोसिएशन है जो सिंगर्स और आर्टिस्ट के लिए रॉयल्टी के लिए वो राइट्स के लिए वो लड़ रहा है